हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री माननीय गोपाल भार्गव जी जाते हैं सागर, और उनको रिसीव करने के लिए 26 जनवरी पर नहीं आता, कोई मिलता नहीं उनको, उनको प्रबंधन नहीं होता, तो फिर वो वहाँ पर विश्राम ना करके गड़ाकोटा चले जाते हैं, उसके बाद सुबह फिर आते हैं और फिर गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसमें बिल्कुल मैं क्यों नहीं हटा दिया उस कलेक्टर को, एसपी को, सागर के उस कलेक्टर एसपी को? कौन संरक्षण दे रहा है जो मंत्री का अपमान करे, इतने वरिष्ठ मंत्री का, जो आपका नेता प्रतिपक्ष रहा हो, जो 15 साल मंत्री रहा हो, फिर मंत्री बन गए, तो उसका अपमान उस कलेक्टर एसपी को क्यों नहीं हटाया? हाँ शिशिर जी, मैं यही बात कह रहा हूँ कि ये बहुत सारी जगह तो बदल दिए जाते हैं, लेकिन आप देखिए इतनी कार्रवाई से, मैं तो कहता हूँ इतनी कार्रवाई भी कोई पूरी कार्रवाई नहीं होती है। कैसे वो अगर उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती तो पूरे प्रदेश के 51 जिलों के कलेक्टर, वहाँ कोई भी माननीय जनप्रतिनिधि जाता तो उसका अपमान नहीं कर पाते, लेकिन क्यों नहीं की गई? देखिए कार्रवाई होना चाहिए, और मैं ये नहीं कहता इसी बात पे, किसी जनता का कोई काम भी हो रहा है ना, उस सब पर भी आप सोचिए। अरे जनता तो गई तेल लेने जनता के पास, तो जनता को कब मदद मिल पाती है? पहले तो जब सरकार के मंत्री को नहीं मिल पा रही जैसा आपने बताया, तो फिर बाकी जनता का क्या होगा? नौकर साहब इतने अहंकारी, इतने पावरफुल हो गए हैं।